ये भारत का संविधान है, ये देश इस संविधान से चलेगा, किसी के बाप के कहने से नहीं चलेगा, इस संविधान से चलेगा। चार महीने बाद साले आओगे वोट मांगने, अब गाली दे रहा हूँ, 5 तारीख का गाली दूंगा। चार महीने बाद साले आओगे वोट मांगने, अब गाली दे रहा हूँ, 5 तारीख का गाली दूंगा। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बना, नहीं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा कैसे है आप बताइए। आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सीधे योगी जी से कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये जो दलित और पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? संविधान को खत्म किया जा रहा है, सारी चीजों को निजी करके इस संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने का काम करिए, तानाशाह हिटलर शाही वाला काम है। अब हम रोड पे आएंगे एक एक लोग, और जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता हम नहीं जाएंगे, चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे जेल हो जाए। कहाँ तक जाएंगे आप आंदोलन? मैं भाई जहाँ योगी बैठते वहाँ तक हम जाएंगे जी, आरक्षण लेके रहेंगे। मैं मलियाबाद विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल कनौजिया है। आखिरी मांग क्या है? आखिरी मांग यही है, अगर संविधान पे और आरक्षण पे आई तो 2 अप्रैल भूले नहीं हम लोग। देखिए सम्मानित साथियों, सबसे पहले आपको क्रांतिकारी जय भीम। आप लोगों को पता है कि आज लखनऊ के अंदर हमारे 69,000 शिक्षक जो अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे, और आज जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया था कि अगर 5 तारीख तक सरकार कोई आश्वासन नहीं देती और इनका इनके अधिकार नहीं देती तो हम 6 तारीख को लखनऊ के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज अगर वो टाइम आया तो ये वर्तमान सरकार मनवादी सरकार आज उन छात्राओं पर भीम आर्मी के जो छात्रों के लिए हक की आवाज उठा रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करने की बात करते हैं। अभी लगातार जो है बैरिकेटर के द्वारा आप लोगों को रोका गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कहना की एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो आह्वान कर देते हैं, भीम आर्मी से जो आह्वान कर देते हैं, ये कभी रुकते नहीं। सरकार की तानाशाही है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, हम लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए रोक रही है सरकार की गुंडागर्दी तानाशाही। अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी भाई। 78-79 दिन हो गए जी। आप जो भारत का संविधान लेके खड़े हैं, जो भारतीय संविधान है, भाई क्या कहना चाहेंगे? संविधान चल रहे हैं सर आप ही भाई। देख ये जो संविधान है ये सारे अधिकार देता है मुझे और हम लोगों को, ये भारत का संविधान है, ये देश इस संविधान से चलेगा, किसी के बाप के कहने से नहीं चलेगा, इस संविधान से चलेगा। हमारे साथ और भी साथी, हम उनसे भी बात करेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले उसके बारे में बात करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग रुकेंगे नहीं, चंद्रशेखर भाई के इशारों पे जो बोल देंगे वो करेंगे, चाहे जो भी हमको करना होगा करेंगे, लेकिन हम अपना हक ले करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं चंद्रशेखर भाई जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो सोचते हैं वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बड़े भाई ऐसा नहीं करते हैं, ये संविधानिक अधिकार है सर। आरक्षण हमारा कोई मतलब खैरात नहीं मिला है, यह हमारा पूना पैक्ट समझौते पर मिला है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हमारे आरक्षण के लिए। हमारे साथ में और भी साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे घोटाले को लेकर। ये जो एक घोटाला नहीं है, महाघोटाला है, किसी के अधिकारों को छीनना या उसका हिस्सा छीनना, सही बात है। इन्होंने दलित और पिछड़ों का हिस्सा छीना है और छीन के उन लोगों को दिया जिनका पेट पहले से ही भरा हुआ है, ऐसे लोगों को उन्होंने अधिकार दिया है। अच्छा ये आंदोलन आप कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तो रोक लगा। ये तो अभी टेलर है, टेलर है। हकीकत अभी बाकी है, हकीकत अभी दिखाएंगे, पिक्चर ये होगा। अभी तो जो चंद्रशेखर भाई ने और यहाँ का जो संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने जो अभी कुछ ही चंद लोग बुलाए हैं, और जब पूरी कॉल होगी ना तो दलित पिछड़ों की एक ऐसी आवाज होगी, ये पूरी यूपी जाम होगी। आपका नाम क्या है? असलम राज, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का, श्रीराम कानपुर से। अच्छा, कानपुर से जी हाँ। ये जो आज हो रहा है,
ये हकीकत ये है कि जिन लोगों से हमको उम्मीद थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुजन मिशन और बहुजन मूवमेंट को मनुवादियों के हाथ में बेच दिया है। ये आज ये जुनूनी नायक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसको माननीय चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, इन्होंने आकर के ये जो एक जिद पाली है इंसाफ की, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर के ये जो जिद पाली है, ये माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जिद है, ये संवैधानिक जिद है, ये हमारे अधिकार है, ये मौलिक जिद है। और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी का एक एक सिपाही, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बना, नहीं राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा कैसे है आप बताइए। एक जमाने से हम लोगों के साथ शोषण होता रहा है, उत्पीड़न होता रहा है, दोहन होता रहा है। अगर ये नहीं होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट से वोट का अधिकार और आरक्षण का अधिकार क्यों लेकर के आते। ये सदियों से जुल्म हो रहा है, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, तब ये जुल्म किसी को नहीं दिख रहा था। जब अछूत और नीच कह करके हमारे लोग, जब मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को कटुआ कह करके, अब उस पे इनके बोलते नहीं है, जब मनीषा बाल्मी, तब ये हिंदूवादी संगठन कहाँ जाते हैं, तब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात है, जो आपका सवाल था, मैं उसकी बात, जो आपने कहा राजनीति की बात, तो कोई भी हिंदूवादी संगठन बहुजन समाज के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाता है। वो आवाज, अगर आज 69,000 भर्ती शिक्षक की आवाज, जो की पिछड़े वर्ग का मसला है, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट का मामला है, अगर आज भीम आर्मी चीफ माननीय चंद्रशेखर आजाद जिन्हें आवाज उठाई है, तो उसको राजनीतिक बात बता रहे हैं। तुम भी तो राजनीति करते हो, लोगों को बताते हो। आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, चंद्रशेखर भैया को दिखा देते हैं, हम सबसे बात करेंगे, हमारे साथ में उन लोग बात करने के। देखिए, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ यूथ विंग आजाद समाज पार्टी लखनऊ से। यहाँ आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति चंद्रशेखर आजाद, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, ये लोग, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आप ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा यहाँ आपको राजनीति स्तर का कौन सा बड़ा नेता दिख रहा है, कौन सी बड़ी पार्टी का आपको यहाँ दिख रहा है? उनके बैनर में, उनके बैनर में जो है, मुझे भूपेश बघेल जी दिखे। यहाँ 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 जमीनी संघर्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी पहले दिन से यहाँ पे है और आज तक है यहाँ। शिक्षकों के 59,000 शिक्षकों की लड़ाई में वो पहले दिन से डटे हुए हैं और यहाँ उन छात्रों के बीच में रहकर उन्होंने रात गुजारी है, भूखे पेट यहाँ सोए हैं। वो चाहते तो राजनीति करते होते तो एसी के कमरों में पड़े होते। ये लोग बात कर रहे हैं राजनीति, चंद्रशेखर जी राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहा है वो राजनीति कर रहे हैं, बिना राजनीति के तुम सत्ता में आए हो। आज अगर किसी के साथ तो और ओबीसी समाज के लड़कियों पर की लड़कियों के साथ, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, तुम्हारी औकात दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव, चार क्या है, सतपाल यादव कहाँ से अंबेडकर नगर, अच्छा, अच्छा। दलित बाहुल क्षेत्र, 4 महीने बाद साले आओगे वोट मांगने। अब गाली दे रहा हूँ, 5 तारीख का गाली दूंगा। चेहरा देखिए हम लोगों का, हम लोग आंदोलन में, हम लोग किस तरह से हैं। अरे भाई साहब, चेहरा आप क्या कहना चाहते हैं? तकलीफ से जो जूझे हैं, इनका हक मिलेगा, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं, चंदौली से। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, पदाधिकारी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष है हम, आजाद समाज पार्टी। हम लोग आरक्षण लेंगे, चाहे जैसे भी लेना होगा। प्रशासन ये सरकार है और प्रशासन को हमेशा आगे खड़ा किया है, लेकिन हम इससे नहीं लड़ेंगे, हम उनसे लड़ना है जो हमारे अधिकार को छीने। जी हम यही कहना चाहते हैं, योगी के पास टाइम है, अब भी लाइन पे आ जाए। नहीं, हम लोग सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार को उखाड़ा उखाड़ना भी जानते हैं। लगातार ये जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन योगी सरकार को कोई कुछ नहीं हो रहा। आज जगा के रहेंगे हम लोग, तभी जाएंगे जब हक अधिकार लेके जाएंगे। ये हम लोग योगी से कहना चाहते हैं, ऐसे हम लोग हथियार हाथ डालने वाले नहीं है, जब डाल दिया है तो हलक में से निकाल के रहेंगे अधिकार। ठीक है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं भीम आर्मी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को। भैया बैठ जाओ, बैठ बैठ, लाइट लाइट